T20 वर्ल्ड कप के 9वें संस्करण का आगाज अब हो चुका है और आज टीम इंडिया अपना पहला मुकाबला आयरलैंड के खिलाफ खेलते हुए नजर आएगी। टूर्नामेंट के लीग स्टेज में 20 टीमों को 4 ग्रुपों में बांटा गया है जिसमें 5-5 टीमें शामिल हैं। भारतीय टीम ग्रुप ए में है जिसमें उनके साथ अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान और आयरलैंड की टीमें हैं। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम ग्रुप स्टेज के अपने सभी मैच अमेरिका में ही खेलेगी। इन मैचों को जीतना इतना भी आसान नहीं होने वाला क्योंकि टीम इंडिया को सबसे पहले 3 बड़ी चुनौतियों का सामना करना होगा। तो चलिए आपको बताते हैं उन 3 चुनौतियों के बारे में जिनका लीग चरण में टीम इंडिया का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहली चुनौती है पिचों के मिजाज को समझना। लीग स्टेज में टीम इंडिया को अपने पहले 3 मैच नासाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेलने हैं जहाँ की पिच का मिजाज टूर्नामेंट के 4थे मैच में देखने को मिला था। श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए इस मैच में दोनों टीमों के बल्लेबाज रन बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा तरसते नजर आ रहे थे। इसी वजह से अब भारतीय फैंस इस पिच पर टीम इंडिया के होने वाले मैचों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। रोहित शर्मा एंड कंपनी को पिटॉस से पहले पिचों को अच्छे से समझना और परखना होगा, कॉम्बिनेशन इस पिच के अनुसार ही बनाना होगा। अब बात करते हैं भारतीय टीम के दूसरी सबसे बड़ी चुनौती की जो कि है टीम कॉम्बिनेशन। लीग मैचों में भारतीय टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती प्लेइंग 11 चुनने की आ सकती है। रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट को सोचना होगा कि किस मैच में कितने स्पिनर्स और कितने ऑलराउंडर्स को प्लेइंग 11 में जगह देनी है। किसी पिच पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी तो कहीं स्पिनर्स का बोलबाला देखने को मिलेगा। ऐसे में इस चुनौती से निपटना मैन इन ब्लू के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। हालांकि न्यूयॉर्क में एक मैच खेलने के बाद काफ़ी हद तक चीज़ें साफ हो जाएंगी। भारत की सबसे आखिरी और सबसे बड़ी चुनौती है भारत का बैटिंग ऑर्डर। नासाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिलता है। कुछ लोग रोहित शर्मा और विराट कोहली को ओपनिंग करने का सुझाव दे रहे हैं, लेकिन अगर ये दोनों जल्दी आउट हो गए तो बाद में पारी को संभालने में अन्य बल्लेबाजों को दिक्कत आ सकती है। वहीं एक मुकाबला फ्लोरिडा में होना है जो बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग माना जाता है। ऐसे में टीम इंडिया को अपने बल्लेबाजी क्रम को लेकर विचार करना होगा कि कौन सा बल्लेबाज इस नंबर पर क्रीज पर उतरना चाहिए। वहीं मध्य क्रम में भी सही योजना के अनुसार बल्लेबाजी क्रम को तय करना अनिवार्य है। अगर भारतीय टीम के बैटिंग ऑर्डर की अभी तक बात करें तो टीम में यशस्वी जायसवाल, कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और संजू सैमसन के विकल्प मौजूद हैं। लेकिन क्या भारतीय टीम इन खिलाड़ियों को कॉम्बिनेट कर पाएगी यह देखना काफ़ी रोचक होगा, क्योंकि हमने देखा था कि जो अभ्यास मैच हुआ था बांग्लादेश के खिलाफ वहाँ यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली टीम में नहीं खेले थे। उसके अलावा अन्य सभी खिलाड़ियों ने अपने बल्ले से ज़रूर बल्लेबाजी करी थी, जहाँ पर संजू सैमसन बुरी तरह फ्लॉप हुए थे लेकिन ऋषभ पंत ने शानदार शतक ठोक कर अपनी जगह बना ली है। उसके अलावा हार्दिक पांड्या अच्छे फॉर्म में दिखे थे, लेकिन भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है वह टॉप 3 में आखिर कौन खेलेगा। रोहित शर्मा का तो लगभग स्थान फिक्स है, लेकिन क्या उनके साथ यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करेंगे या फिर विराट कोहली, यह देखना अभी काफ़ी दिलचस्प होगा। अब आप हमें बताइए कि क्या टीम इंडिया आज लीग स्टेज की शुरुआत जीत के साथ कर पाएगी या फिर नहीं। इसी तरह के क्रिकेट से रिलेटेड खबरों को देखने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।